एक बस का व्हील है जिसका डायमीटर हमें गिवन है 1.4 मीटर. देन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमें गिवन है दैट इट मेक्स 10 रेवोल्यूशंस इन 5 सेकेंड्स. 10 रेवोल्यूशंस ले रही है वो 5 सेकेंड्स के अंदर. वी आर टू फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. स्पीड हमने निकाली. स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि 10 रेवोल्यूशंस में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. देन जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अकॉर्डिंगली भी बिल्कुल क्या आएगा डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे? फॉर्मूला डिस्टेंस कवर्ड. इन 1 रेवोल्यूशन दैट इज 2 पाई आर. ये डायमीटर यानी कि 2 आर की वैल्यू गिवन है, तो ये 2 आर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें. तो दिस इज 1.4 पाई. पाई कितना होता है आपका? 22/7. तो डिस्टेंस कवर्ड इन कितने रेवोल्यूशन गिवन है? 10 रेवोल्यूशन दैट इज 4.4 × 10 44 मीटर. अब हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है. तो 5 सेकेंड्स में वो 10 रेवोल्यूशन ले रहे हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. 10 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 44 मीटर. यानी कि 44 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 5 सेकेंड्स में. तो स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 8.8 मीटर पर सेकेंड. स्पीड का यूनिट लगा दोगे मीटर पर सेकेंड. आप लोग बच्चे स्पेसिंग कर लो प्रॉपर अपने, फिर दोनों दो तो इकट्ठे ही रहोगे ना. एक जना पिछले बेंच पे चला जाए. गर्ल्स भी हार्दिक जी दोनों फिर इकट्ठे हो. एक को तो उठना ही पड़ेगा. आप पिछले बेंच पे चले जाओ बच्चे. लास्ट में इधर आ जाओ सिमन. बैग बेशक वहीं रहने दो फॉर दिस पीरियड में. मैं अपने पीरियड में स्पेसिंग प्रॉपर रखती हूँ. हाँ तो इट शुड बी देयर ना. तो फिर सभी टीचर्स ने यही कहना है बेटे, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल इन आर पीरियड. जब आप हमारे सामने हो तो फॉर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल. चलिए इज दिस क्लियर? चले अब असम्पशन वाले करने हैं. चलो क्योंकि ये हैं काफी हैं क्वेश्चंस इस तरह के. हाँ जी अच्छे अच्छे ही ढूंढ के लाई हूँ मैं, डोंट वरी. ओके चलो. ए बी सी डी ई एफ इज अ हेक्सागन विद डिफरेंट वर्टिसेस as the center of the circle with the same radius are drawn. Find the area of the shaded region. Hexagon बनाओ. Hexagon के जो vertices given है वहां से hexagon के अंदर की तरफ sector draw कर लो. And you are to find the area of the shaded region. हाँ जी दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन गिवन. साइड हमें नहीं गिवन है तो हम मान लेते हैं खुद से ए मान लो. सेक्टर बन रहा है इट्स ओके, बट व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस सेक्टर? ये आपका अब एट्थ का कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे. क्यों? इंटीरियर एंगल्स का सम थोड़ा 360 होता है. दिस इज अ हेक्सागन नॉट अ पेंटागन. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. ये लिख लो फॉर्मूला. ये सारे एट वाले फॉर्मूले अपने रिकॉल करना. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर
पॉलीगन जनरली दिखवा रही हूँ मैं, दैट इज गिवन बाय एन माइनस टू इंटू 180। और जब आपको वन एंगल निकालना है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब कितनी साइड्स हैं यहाँ पे, सिक्स, तो सम कितना हो जाएगा 720। और एक एंगल कितने का बनेगा ये वाला, 720 बाय 6 यानी कि 120। गॉट इट? हाँ जी। तो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, सम को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ साइड, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n। So this is 120 degree. वैसे हालांकि 120 वाला आपका, हाँ, तो इसमें मे बी आप पेंटागन की फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है? उसका 540 बन जाएगा, 108 हो जाएगा ना एंगल देन अकॉर्डिंगली। क्यों? सिर्फ 120 कटा है आपका, 115 वाला आ सकता है, उन्होंने 120 वाला, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशंस नहीं है, यू आर टू सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, वो सिंपल कैलकुलेशंस बन रही है। क्लियर है ये? अब कर लोगे? कैसे करोगे? एरिया ऑफ वन सेक्टर मल्टीप्लाइड बाय, टोटल सिक्स है तो मल्टीप्लाई बाय सिक्स। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल। चलो बताओ, देखें कितना याद है। फिर फायदा क्या बता मुझे? एरियाज की रेशियो निकालनी है इनकी, रेडियस की जो रेशियो होगी उसका आप स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि पाई से पाई तो कट ही जाने, तो यू विल गेट योर आंसर। अब रेडियस ऑफ बताइए क्या क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान लो अपने पास से कुछ भी एक्स या ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ इन सर्कल एंड एरिया ऑफ दैट सर्कम सर्कल, दोनों के क्या निकालने पड़ेंगे हमें? रेडियस निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे? एल्टीट्यूड क्या होता है? चलो एल्टीट्यूड बताओ। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है? ये वाले तो ना मतलब लर्न ही कर लो, रूट थ्री बाय टू टाइम्स साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड आप लेते हो, ये आपने प्रूफ किया हुआ है प्रीवियस क्लास में, साइड एक्स मान के चलते थे हम, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालते थे आप उसको, तो रूट थ्री बाय टू एक्स हाइट हो गई, और जो आपका इन सेंटर का है दैट इज द 1/3 ऑफ दिस एल्टीट्यूड, और जो इसका है सर्कम सेंटर का है दैट इज द 2/3 ऑफ द एल्टीट्यूड। हाँ जी, ये हाइट ऑफ एल्टीट्यूड है, इसका अगर आप 1/3 कर दोगे तो यू विल गेट द हाइट ऑफ इन सेंटर, और इसका अगर आप 2/3 कर दोगे तो दैट विल बी द हाइट ऑफ द सर्कम सेंटर। अब ये जो टाइम है वो डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने का है, क्योंकि जब हम डिराइव करने वहां बैठे पेपर में तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। इन सेंटर होता है बच्चे जो आपका एंगल बाइसेक्टर, जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। सर्कम सेंटर होता है जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपके मीट करते हैं। चले अगले पे।
अब इनके एरियाज निकाल लोगे, हाइट्स आ गई हैं, बेसिस एक्स हैं, यानी कि यहाँ आप रूट थ्री बाई टू से, रूट थ्री बाई टू एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट्स आ जाएंगी, देन हाफ इंटू बेस इंटू एल, या पाई आर स्क्वायर लगा लेना जैसे मर्जी करते हैं। सर्कल का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड नहीं लगेगा। किसको? सर्कम सर्कल और इन सर्कल है। हाँ, ये रेडियस आ गया, ये रेडियस आ गया। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस अगेन। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में द एल्टीट्यूड की जो लेंथ होती है दैट इज रूट थ्री बाई टू टाइम्स साइड। अब ये चीज गिवन है, इन सेंटर जब आप निकाल के चलते हो दैट इज वन थर्ड ऑफ द एल्टीट्यूड, जब आपने सर्कम सेंटर निकालना है दैट इज टू थर्ड ऑफ द एल्टीट्यूड। ठीक है, क्लियर है? तो वन थर्ड ऑफ रूट थ्री बाई टू एक्स करोगे और यहाँ पे टू थर्ड ऑफ रूट थ्री बाई टू एक्स लो, तो ये आपके पास दोनों के रेडियस आ गए, पाई आर स्क्वायर जो है दैट इज द एरिया, दोनों के एरियाज का आप रेशियो निकाल लोगे। वर्बली बताना जरा कितना आएगा एरियाज का रेशियो। अच्छा, अब इसमें रेशियो ऑफ इन सर्कल टू सर्कम सर्कल है तो इन सेंटर पहले आएगा, सर्कम सेंटर आपका बाद में आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या आएगा इन सेंटर सर्कल के अंदर वाला? हाँ जी मैम, जो इन सेंटर है वो सर्कल के अंदर वाला? बच्चे इन सेंटर का मतलब सर्कल ट्रायंगल के अंदर बनता है, सर्कम सर्कल का मतलब कि वो सर्कम स्क्राइब करता है ट्रायंगल। ठीक है, नो स्क्वायर किए पाई आर स्क्वायर करो, पाई आर स्क्वायर रेडियस ऑफ इन सेंटर जो है दैट इज वन थर्ड ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो सर्कम सेंटर है वो टू थर्ड होते हैं आपका। नो, वन रेशो फोर आ रहा है। हाँ बच्चे, ये आपका कट गया, ये रूट थ्री बाय थ्री बच गया और ये रूट थ्री बाय सिक्स है, नाइन बाय थर्टी सिक्स आ गया तो वन बाय फोर आ जाएगा कैंसिल करके। हाँ हाँ जी, ठीक है, क्लियर? वो उसमें काटेंगे ना यहाँ। हाँ कर लो, टू रूट थ्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। हाँ जी ले सकते हो, वैसे भी जैसे मर्जी कर लो, आंसर वही वन रेशो फोर आएगा, हो जाएगा अभी। हाँ जी हार्दिक, एनी डाउट बच्चे? ये लिख लो प्लीज फॉर्मूला, हाइट ऑफ इन सेंटर इज वन थर्ड ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड हाइट नहीं, रेडियस है, रेडियस है नॉट हाइट, दिस इज रेडियस, दिस इज द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये फॉर्मूला किया हुआ है? नहीं याद बेटे, आप क्या लेके चलते थे इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में? ये साइड हम एक्स लेके चलते थे, ठीक है, ये हम क्या करते थे, ये एक्स बाई टू हो जाती थी आपकी, फिर हम क्या लगाते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे इसको निकालने के लिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू जो है किसके इक्वल आएगी, एच स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय टू का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाय फोर। ये मान लो मैंने ए बी ले लिया तो ए बी का स्क्वायर ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर बाय फोर, तो ए बी कितना आ गया, रूट थ्री बाय टू आया, रिकॉल हुआ, क्लियर? और उसके लिए लिख लो, बुक में ही लिख लो बेशक अपनी, रेडियस ऑफ इन सेंटर इज वन थर्ड ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड रेडियस, और ये जो इन सेंटर और सर्कम सर्कल बन रहे हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के ही होंगे, ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर इज टू थर्ड ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो, रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर कंपाउंड इज 35 मीटर, अब आप बताओगे ये मुझे, रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर कंपाउंड
रेडियस गिवन है मुझे सेमी सर्कुलर कंपाउंड का, दैट इज गिवन टू बी 35 मीटर. वी आर टू फाइंड इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर मुझे इसका निकालना. आर तो गिवन ही है. हाँ जी ओके. उससे क्या आएगा? पेरीमीटर के डेफिनेशन क्या कहती है? हाँ, टोटल बाउंड्री होती है. आपने मुझे क्या कहा कि मैम ये ले लो, तो ये कहाँ गया? ये ध्यान रखने, मोस्टली बच्चे गलती ही यहाँ पे करते हैं. आपको सेमी सर्कुलर कंपाउंड गिवन है, ठीक है? सेमी सर्कुलर कंपाउंड मतलब उसकी ये शेप है. तो व्हेनेवर यू आर टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस, तो इसके साथ इसको जरूर लेना है. तो इसका जो आपका पेरीमीटर का आएगा फॉर्मूला, दैट विल बी पाई आर होता है सेमी सर्कल का प्लस ट्वाइस ऑफ आर या डायमीटर का. गॉट इट? हो जाएगा अब ये? हाँ जी, 180 इज करेक्ट. इसी तरीके से फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट. जब पेरीमीटर की बात हो रही है, ये प्लस ये प्लस ये, व्हाट इट आर आर टू आर हो गया, और साथ में ये क्या होगा, टू पाई आर बाय फोर, वन फोर्थ होते. ये आर आर ऐड होएगा ना पीछे. पेरीमीटर की बात हो रही है मतलब जो भी उसकी बाउंड्री है उसका सम कर लो. तो रफ में फिगर ड्रॉ कर लो, उसकी बाउंड्री देखो, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, किस में? टू पाई आर बाय फोर. हाँ, ये कह रहे हो. तो इसमें फिर आर प्लस आर क्यों होगा? क्यों ये कह रहे हो? तो फिर इसको क्या करना है हमने? ओके, टू बाई आर बाय फोर कर लिया. ओके, ये आर नहीं है, ये लेंथ ऑफ आर है. मैंने गलती से आर ऑब्वियसली करोगे. वही मैं आपको कह रही हूँ ना कि जब भी पेरीमीटर वाला क्वेश्चन आता है, आप एक रफ फिगर बना के उसके पेंसिल चलाओ कहाँ कहाँ उसकी बाउंड्री बन रही है, एंड देन गो फॉर द पेरीमीटर. ठीक है? हाँ हाँ, यू विल गेट. हाँ, दैट इज योर विश, यू कैन डू दैट. उसको भी फिल करने की बजाय आप पहले टेक कर लो, बीच में पेंसिल से हल्का सा टेक लगा लो, पूरा फिल बाद में कर लेना. फिलिंग में हार्डली 15 मिनट्स आपके लगने हैं पहले. हाँ, वो आपकी मर्जी है, बट यू आर टू यूज पेंसिल फॉर दैट. हाँ जी. अच्छा, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल whose diameter and side are equal. Diameter of circle is equal to side of equilateral triangle. Find out the ratio of their areas. Diya and Tarandeep, mute yourself, bache. Question kya kaha hai maine? Haan. एरिया ऑफ सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का रूट थ्री बाई फोर साइड का स्क्वायर. अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. लेट अस सपोज कि मैंने एक्स ली है, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? एक्स बाई टू. यहाँ पे एक्स बाई टू और यहाँ पे एक्स स्क्वायर करोगे, यहाँ ध्यान रखना. ठीक है? हाँ जी. हाँ, साइड एक्स लोगे, या फिर अगर आपने यहाँ एक्स लिया है तो यहाँ रिप्लेस कर दो टू आर से, वो आपकी मर्जी है. मतलब रेडियस की वैल्यू पुट करनी है कि साइड की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज अप टू यू, वो आपकी मर्जी. जैसे कैलकुलेशन इजी लगती है. सो दिस रेशियो विल बी पाई अपॉन रूट थ्री, पाई रेशियो रूट थ्री. समझ
सर्कल पहले था, इक्विलेटरल ट्राइंगल बाद में था, तो सर्कल ऊपर रखेंगे, एरिया सर्कल ऊपर आएगा, जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो डिनोमिनेटर में आएगा. नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड इज 15,400 मीटर स्क्वायर. क्या है ये? एक्स को कैंसिल आउट नहीं हो रहा, क्यों? साइड का स्क्वायर. हाँ जी, क्यों बेटे? आर क्या है? एक्स बाई टू है ना, तो एक्स स्क्वायर बाय फोर हो गया, ये वाला फोर और वो फोर कट जाएगा. ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन होती है, तभी मैंने आपको कहा कि आप एक्स को रिप्लेस कर लो. ये बन गया रूट थ्री बाय फोर इंटू टू आर का स्क्वायर फोर आर स्क्वायर. ये फोर से फोर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होती आपको. चलिए, अब गिवन है एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड इज 15,400 स्क्वायर मीटर. फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द फील्ड. रेडियस निकाल लोगे, कितना आएगा? कितना आएगा? मल्टीप्लाई हो रहा है. कैलकुलेशंस अपने आप करो, मेरे को जैसे इजी लगी मैंने कर दी, आप अपने हिसाब से करो. अब कैलकुलेशंस भी ये देखोगे तो फिर कंफ्यूजन होगी होगी. कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस ही करनी है आपने. हाँ जी, को हिलाओ जरा. क्लियर है? 70√2 अपने अपना कैलकुलेशंस करके देखो, यू विल गेट द सेम आंसर. मास्क लगाओ बच्चे. 70√2, ठीक है. क्या आएगा आगे? रेडियस आ गया. नाउ व्हाट टू डू? क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई आर प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये वाला सर्कमफ्रेंस और डायमीटर. पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. नेक्स्ट, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विच टच ईच अदर एक्सटर्नली. सर्कल्स जो हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. सम ऑफ एरियाज हमें गिवन है 153 पाई. अगर एक का रेडियस मैंने आर वन ले लिया, एक का मैंने आर टू ले लिया, तो आई एम गिवन. हाँ जी, ना गिवन नहीं है ना, तो फिर अलग अलग ही लेके चलेंगे. एंड द सम ऑफ देयर रेडियाई इज 15 सेंटीमीटर. आर वन प्लस आर टू की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 15. आर वन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर टू लिख लो, और यहां से पाई कॉमन लेके किसमें? स्क्वायर है, स्क्वायर है, ध्यान रखना है. एकदम से जल्दी नहीं मचानी क्वेश्चंस को करने में, यही नंबर लूज करोगे. ऐसे कंफ्यूजन हो रही है. कैपिटल और स्मॉल लिख दूं? आर वन की वैल्यू पुट कर देंगे 15 माइनस आर टू, ये आर टू. अब इसको आर टू की टर्म्स में आ गया, ये क्वाड्रेटिक बनेगी. सिंप्लीफाई करोगे आर टू की, आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, दोनों में से अगर एक रिजेक्ट हो रही है तो दैट यू विल डू, और उसके बाद आप रेशियो निकाल लेंगे.
ये 153 पाई है, मैंने 154 लिख दिया, दिस इज 153 पाई, पाई से फिर पाई आपका कैंसिल आउट, ठीक है, कर लोगे अभी? हाँ जी। अच्छा अब नेक्स्ट है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई, सर्कमफेरेंस एक सर्कल की 4 पाई से 8 पाई इंक्रीज हो रही है, देन द एरिया इज हाफ्ड, डबल्ड, ट्रिपल्ड और क्वाड्रपल्ड। सर्कमफेरेंस जब 4 पाई से 8 पाई होती है तो एरिया पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? सर्कमफेरेंस चेंज हो रही है यानी कि आपका एरिया चेंज हो रहा है, बिना फाइंड आउट किया हाउ यू कैन से कि डबल, तो हाँ तो रेडियस चेंज हो गया, फाइन, देन व्हाट अबाउट एरिया? एरिया में स्क्वायर्स चेंज हो रहे, तो बिना सॉल्व किए डोंट गिव द आंसर। पैरीमीटर पहले था आपका 4 पाई, क्या आएगा फॉर्मूला? दिस इज द पैरीमीटर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 पाई, आर कितना आ गया 2, तो एरिया कितना आया यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर, 4 पाई हो जाएगा। अब उसने क्या कहा कि पैरीमीटर इज 8 पाई, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 8 पाई, आर इज इक्वल टू, तो एरिया कितना हुआ? तो इट इज 4 टाइम्स क्वाड्रपल्ड, गॉट इट? ये ध्यान रखना है, आंसर्स इंस्टेंटली ऑरली नहीं देने हैं, डू द कैलकुलेशन, इनफ टाइम यू विल बी गेटिंग, 90 मिनट्स मोर देन इनफ है फॉर डूइंग द 40 क्वेश्चंस। क्वाड्रपल्ड 4 टाइम्स, क्वाड्रपल्ड, क्वाड इज फॉर 4, 4 टाइम्स, चलो एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया था इसने मुझे याद करवा दिया वर्ड का मीनिंग पूछ के। एरिया ऑफ एन एन्युलस इज, हाँ जी, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ एन एन्युलस हूज इंटरनल रेडियाई इज आर वन एंड एक्सटर्नल रेडियाई इज आर टू। जब तक एन्युलस का मीनिंग नहीं पता होगा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है? मेरा ये क्वेश्चन स्किप हो गया था, आपने मुझे याद करवा दिया। एन्युलस होता है दैट इज अ रिंग, रिंग वर्ड आपने बहुत बार सुना हुआ है बट एन्युलस नहीं सुना हुआ। आर वन एंड आर टू, यू आर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रिंग, है सिंपल है लेकिन जब तक वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। हाँ हाँ, एन्युलस का मीनिंग नहीं ना, पर एन्युलस वर्ड फर्स्ट टाइम सुना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन इज वेरी इजी, ये छोटी क्लासेस में भी बता सकता है बच्चा कि बड़े वाले सर्कल में से छोटा माइनस कर दो, बट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एन। हाँ जी, सब गिवन है, आर वन गिवन है, आर टू गिवन है, बस अब पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन, ए डबल एन यू एल यू एस, इंग्लिश में कुछ और भी मीनिंग हो सकता है इसका, मैथमेटिकली जो है दिस इज दिस एरिया, ठीक है? मेरे पास बुक अब मुझे मिली है, उसमें ढूंढ रही हूं मैं। कल जो है वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ एसर्शन और रीजनिंग वाले करेंगे। अच्छा, इसी में आपके क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, मैच द कॉलम्स में, इधर 1 2 3 4 एंड हियर यू विल बी हैविंग ए बी सी डी, यहाँ पे आपने मैच करना होगा जो भी गिवन है। मान लो अभी फिलहाल सिंपल एक ले लेते हैं, यहाँ गिवन है मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, इतने इजी आएंगे नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, हम्म,
अब इनका मैचिंग करना होगा. ऑप्शंस जो है वो इस तरीके से नीचे गिवन होंगी. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये वन है, देन इक्विलेटरल ट्रायंगल ये टू हो गया, देन एरिया ऑफ सेक्टर दिस इज फोर. ठीक है, अब जो ऑप्शंस आपकी गिवन होंगी वो इस तरीके से गिवन होंगी कि फर्स्ट का जो है दैट इज सी, मान लो यहाँ उन्होंने बी दे दिया, सेकेंड का ए दे दिया, थर्ड का सी दे दिया, फोर्थ का डी दे दिया. तो ये जो सीक्वेंस है आपका दिस यू हैव टू मैच. क्लियर, वन जो है सी के आगे था, टू जो है आपका वो डी के आगे है, थ्री जो है वो आपका बी के आगे है, और फोर जो है वो ए के आगे है. तो योर सीक्वेंस विल बी वन सी टू डी थ्री बी फोर ए. तो ये वाले ऑप्शन को आपने टिक करना हो, ये मतलब बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके करना. जरा सी एक आधी इधर उधर हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत. पूरा क्वेश्चन मतलब वन मार्क बहुत मैटर करता है हम लोगों के. ठीक है, तो टेक इट सीरियसली. नेक्स्ट. हाँ जी, हाँ बिल्कुल हो सकता है. मैं वो नहीं कह रही कि पेपर बहुत टफ ही आएगा, बट मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि डू द कैलकुलेशन केयरफुली, पूरा प्रॉपर वे में उसको ध्यान से ऑब्जर्व. अब मुझे गिवन है एक, अभी फिलहाल सेम है, वी डोंट हैव एनी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सीबीएसई साइड. पीटी टू तक हम सेम ही रखते हैं बेटा, उसके बाद अलग होते हैं. बोर्ड का भी हमारे पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. अलग फाइनल तो अलग ही आएगा. टर्म वन टर्म टू का वी हैव नो इंस्ट्रक्शन. चलो अब आई हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस फिगर. दिस फिगर ये सेमी सर्कल बन गया, बिल्कुल ठीक है. ये लो, सेमी सर्कल का डायमीटर कितना आएगा? टू. तो रेडियस कितना हो गया? वन. क्या? हाँ जी, नीचे वाला भी फोर हो गया. अब जो मुझे एरिया निकालना है दैट इज ये टू हो गया, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, एंड दिस. हाँ, तो टू प्लस टू प्लस फोर प्लस दिस सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल, ये चारों प्लस होंगे, ये ध्यान रखना. हाँ जी ना, क्योंकि फिगर में मेरे को ये उन्होंने कवर्ड नहीं दिया हुआ, जो मेरी फिगर बन रही है वो ये बन रही है. तो एक बार इसीलिए कह रही हूँ कि पेन या पेंसिल उस पर मूव कर लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या क्या चीज आपकी इंक्लूड हो रही है. अब इसमें एरिया निकालना है या फिर पेरीमीटर? अच्छे, एरिया भी उन्होंने पूछा हुआ है, बट फिलहाल मैंने अभी पेरीमीटर डिस्कस किया है. दिस इज द फिगर, ये फिगर गिवन है. पहले ऑफलाइन वाले देख लो, फिर मैं ऑनलाइन वालों को दिखाती हूँ. फिगर बच्चे, इसमें उन्होंने एरिया भी पूछा है. मैं क्योंकि एरिया आप कर लोगे, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. तो मैंने सिर्फ पेरीमीटर डिस्कस किया. Got it? मैम नीचे वाली साइड टू कैसे आई? हाँ जी मैम, जो इसकी नीचे वाली साइड है वो टू कैसे आई? बच्चे दिस इज गिवन, ये रेक्टेंगल है आपका, ये फोर आएगी, नॉट टू, दिस इज फोर. ये फोर आएगी, ऑपोजिट साइड इक्वल, दिस इज टू. तो फोर प्लस टू प्लस फोर प्लस दिस सेमी सर्कल का पैरामीटर. मैम आज आपने एनसीईआरटी एग्जांपल की बुक में से कर बच्चे, दिस इज अ सैंपल पेपर विद मी, मैं उसी में से क्वेश्चंस करवा रही हूँ. आई विल सेंड यू द पीडीएफ तो यू कैन डू फ्रॉम देयर. सैंपल पेपर न्यू वाले आ गए? मेरे पास एक आ चुका है. आप, आई डोंट नो वेदर इट इज अवेलेबल इन द मार्केट और नॉट, तो आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर. ओके, थैंक यू. आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. Good idea.